हेलो। हेलो। हाँ सर, आप बोलो। हाँ नीरज, कहाँ पे हो? बाहर हो मैं क्या? क्या सर? सर आवाज ही ना आ रही। अच्छा तो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं नीरज, ठीक है? हेलो। हाँ हाँ हेलो। सर, हाँ नीरज, क्या अभी घर नहीं पहुंचे क्या? नहीं पहुंचा सर। अच्छा तो कैसे, अभी स्टेशन वगैरह पे हो? सर जी कुछ नहीं हो, बस डॉक्यूमेंट चेक हुए थे दोबारा से। दो बार तो चेक करे डॉक्यूमेंट, फिर टेस्ट के लिए लेके गए, फिर अच्छा रिजल्ट शाम को रिजल्ट सुना दिया अच्छा तो मतलब कि वहां पे मतलब था। डॉक्यूमेंट तो तुम सारे लेके गए थे ना अपने, सर डॉक्यूमेंट सारे ले गए थे, तो आपकी बार कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं हुई सर। नया तो बना सर, सेंटर का ऑफिस ही ना, उधर अच्छा निकाला था तो वो नया बना के ले गए, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा तो ये बताओ सबसे पहले कि ट्रेड टेस्ट तुम्हारा क्लियर हो गया? हाँ सर, ट्रेड टेस्ट क्लियर है। चलो यार, बहुत अच्छा लगा मतलब। पर सर क्लियर तो है मेरा, पर उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया मेरे को। हाँ नहीं, कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रूफ नहीं मिलता, ठीक है? सर। हाँ हाँ वो बस उन्होंने बता दिया ना कि भैया तुम क्लियर कर गए हो। हाँ हाँ क्लियर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो तुम्हारा किस स्टेट से था? तो स्वीपर सर। स्वीपर से। तो ये बताओ कि मतलब वहां पे खाली स्वीपर के ही थे कि और भी लोग पहुंचे हुए थे? नहीं सर, कुक के भी थे, सब थे। हाँ सब थे, मतलब माली भी थे। हाँ मिक्स मिक्स लोग आए, मिक्स बच्चे आए हुए थे सब? मिक्स आए थे सर, अच्छा ये 178 के समथिंग आए सर। अच्छा 178 थे, सभी ट्रेडों के थे। हाँ सभी के, तो उसमें से 28 पास हुए सर। अच्छा 28 पास हुए, अलग अलग ट्रेडों के पास हुए होंगे बच्चे। हाँ सर, चलो तो तुम्हारे स्वीपर में से कितने निकल गए? स्वीपर में से सर, स्वीपर के तो बहुत बच्चे थे, लगभग 90 थे सर। स्वीपर के 90, अच्छा 90 में 16 सर 16 पास हुए हैं पास हुए, उनमें से एक तुम हो सर। हाँ 16 पास हुए हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है यार, उसमें से एक तुम्हारा नाम आ गया है। तो क्या कराया? हाँ बोलो। विश्वास तो था नहीं, हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसी कैसी बात है, तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो तो ऐसे कहते ही नहीं होगा। मैंने तो वीडियो ही देखी थी आपकी एक दो। नहीं, कोई बात नहीं, बस वो वीडियो ही काफी है, जिन्होंने वीडियो देख लिया समझ लो कि वो 80% पास कर गए। हाँ सर, अच्छा तो क्या कराया थोड़ा सा बताओ, वहाँ पे मतलब क्या क्या? फर्स्ट में तो 6-6 बच्चों को बैच बनाया सर हमारा, अच्छा तो लेके गए अंदर, तो वो झाड़ू दे दी सर बांस वाली बड़ी, अच्छा तो वो चलवाई थी, अच्छा वो भी चलाई सर, और फिर वो वाश प्रेशन साफ करवाया था, बस अच्छा बस यही करवाए थे। हाँ बस यही कराया, मतलब झाड़ू वगैरह तुमने मुझे लग रहा अच्छे से कर दिया काम। हाँ सर, अच्छे से ही किया होगा, पास किया हो तो। हाँ बिल्कुल, और क्या, जब इतने बच्चे 28 बच्चे निकाले हैं तो कुछ सोच समझ के किया होगा। फिजिकल? और फिजिकल वगैरह तुम्हारा काफी अच्छा गया था क्या? हाँ सर, सर फिजिकल मेरा बता रहा, मैं 457 का था मेरा सर। बताओ, मतलब मुझे लग रहा है कि इस चीज का भी बहुत फर्क पड़ा है। मेरे 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 से तो शील्ड भी दी थी वहां पर। अच्छा शील्ड भी दी थी? हाँ हिसार दी थी मेरे मेरे से। अच्छा, हिसार में। हाँ खेतड़ चलो, में। ओ तो इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ गया तुम्हारे ऊपर। अच्छा तो ये बताओ कि मतलब खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट हुए वहां पे हैं? हाँ सर, अच्छा तो मतलब जैसे कि खाली 12 तारीख को थे कि अभी भी हो रहे हैं, मतलब आज भी कुछ है, ऐसा कुछ पता चला? नहीं, आज कुछ नहीं है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि कल ही कल में था जो था, हाँ, कल कल ही था। और सभी का सेंटर जो हरिद्वार ही पड़ा था, अब ये नहीं पता सर सभी का हरिद्वार था कहाँ पर। लेकिन वहां पे दूर दूर से बच्चे आए थे, कुछ आइडिया लगा तुम्हें? हाँ सर, दूर से आए थे, राजस्थान से, बहुत झुंझुनू से भी आ रहे थे, जम्मू अच्छा कश्मीर से भी आ रहे सर, हिमाचल हिमाचल के भी थे। तो बस बस बस, मैं समझ गया, इसमें तुम्हारा जो एक सेंटर डाला गया था वो था हरिद्वार का, ठीक है? हाँ सर, हाँ, उसमें सभी स्टेटों के सभी बच्चे एक साथ बुला लिए गए थे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाला गया था और जिनका फिजिकल बहुत अच्छा था। बच्चे तो कम ही आए, मैं बता रहा, बच्चे तो 178 के समथिंग आए सर। और सर वो सीरियल नंबर जो आगे जो जैसे वो आई थी, हाँ वो एडमिट कार्ड आया था, अच्छा, उसमें सीरियल नंबर तो मेरे बहुत ज्यादा थे, लगभग 1100 समथिंग थे। हाँ तो बच्चे कम आए ना, ऐसा भी हो सकता है ना, समझ रहे हो? हाँ सर, सभी बच्चे नहीं पहुंचे होंगे, सभी का मतलब जैसे कि दूर दूर के स्टेट है, मान लो जम्मू कश्मीर का है, बच्चे का मन किया होगा, नहीं किया सोचा होगा चल छोड़ यार मैं बाद में करूंगा, सभी ने कोशिश नहीं करी। चलो तुमने अच्छा किया, तुम पहुंच गए। सर मुझे तो फिजिकल के ऊपर से कोई तो वो नहीं है, मतलब फिजिकल पे बुलाए हो, फिजिकल जिसका अच्छा हुए वे बुलाए, सभी बुलाए थे लगभग। अच्छा जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गए थे। हाँ सब बुलाए, फिजिकल का कोई मैटर नहीं है था शायद इसमें। नहीं, ऐसे बहुत से बच्चे मेरे संपर्क में हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाला गया था, नहीं बुलाया गया, समझ रहे हो? अच्छा सर, हाँ फिजिकल का बहुत अच्छा वो था, जो तुम्हारा परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था।
चलो ठीक है, तो वहां पे मतलब यही सारे सारे ट्रेड के बच्चे पहुंचे हुए थे। चलो, और कुछ रिटर्न एग्जाम के बारे में कुछ पता चला वहां पे? हाँ सर, रिटर्न एग्जाम की बता रहे थे 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल से बता रहे हैं ना? हाँ, 4 अप्रैल 5 अप्रैल को ऐसा बता, 4 या 5 अप्रैल बता रहे सर। हाँ, मुझे भी यही पता चली है, तभी उनसे कह रहा हूँ मैं। हाँ सर बता रहे थे वो। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ना ये सिर्फ एक दिन हुआ है, फिर अब जो है ट्रेड टेस्ट नहीं होंगे, अब जो तुम्हारे तो अभी रिटर्न एग्जाम का आ जाएगा। अच्छा, तो रिटर्न की प्रिपरेशन वगैरह है कुछ? हाँ सर है, तैयारी तो रिटर्न की पहले से। अगर तैयारी होगी तो मुझे लग रहा है फिर तो फायदा मिल जाएगा, बेनिफिट मिलेगा सर। फायदे पर ये उन्होंने ये नहीं बताया कि सीट साठ में कुछ बढ़ोतरी हुई है। नहीं, अब ये सारी चीजें क्लियर नहीं करते, समझ रहे हो ना? अच्छा, अब सारी चीजें बता देंगे तो कुछ इंटरनल इंटरनल चीजें होती नहीं बताते हैं, वो अपने आप ही कर लेते हैं वो सारी बातें। नहीं, वो तो ये है कि गुप्त रूप से कहीं इधर उधर से इन्फॉर्मेशन मिल जाती, जैसे मुझे तुमसे मिली, मुझसे किसी और को मिल गई, बस यही सब चीजें होती है, और कोई बात नहीं। स्टेट वाइज वैकेंसी आती सर इनकी ना? हाँ, जोन वाइज जो है तुम्हारा निकलेगा, जोन वाइज तुम्हारा सिलेक्शन होगा, सारा कुछ जोन वाइज होगा। चलो, अभी तुम दिल्ली में हो तो अभी मतलब हरियाणा जा रहे हो अपने? हाँ सर। चलो ठीक है, फिर पहुंचो, फिर बाद में बात है। ओके चलो सर, ठीक है, बाय। ठीक है, ओके।